जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग कौन से स्टेशन पर हैं, यहाँ कैसे पहुँचे, ये अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल स्टूसबर्न विजिट करने के बाद अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे लूसन सिटी। यहाँ पर हम घूमेंगे चैपल ब्रिज, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इमेज है। अगर आप लूसन सर्च करेंगे नेट पर तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इमेजेस अगर आपको मिलती है तो वो है चैपल ब्रिज, हम वो एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे टाइगर मॉन्यूमेंट, जो कि स्विस सोल्जर उनकी वीरता को दर्शाता है, और उनके सम्मान में वहाँ मरते हुए लाइन का एक स्कल्पचर बनाया है। और अंत में हम लोग करेंगे डिनर, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, और कहाँ खाया कितने का पड़ा हमको वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम लोग हैं शॉन स्टेशन पर। तो जो गलती हमने जाते समय की थी स्तूसबर्न के लिए, वो अब हमने दोबारा नहीं की। हम लोग अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, क्या देख रहे? चलाओ ना नैनों से बान रे, जान ले ले ना जाने। और हमारी ट्रेन आ चुकी है, और जनरली ट्रेन खाली होती है तो हमें हमारी सीट मिल गई। अब हम लोग पहुँचे हैं लूसन स्टेशन पर, और यहाँ से जो पहला जो हमारा स्पॉट है चैपल ब्रिज, वो काफ़ी दूर नहीं है, तो हम लोग वॉकिंग करके जा रहे हैं। और चलिए चलते हैं। वो रहा लूसन स्टेशन, और इसी के सामने है ये चैपल ब्रिज, और यहाँ दादा कुछ अपना फीडबैक देंगे। बताइए दादा जी, ये ब्रिज है ना, खाली लूसन डालोगे ना नेट पे तो ये ब्रिज का फोटो आएगा। आप जो मेरे पीछे जो ब्रिज देख रहे हैं, ये एक्चुअली चैपल ब्रिज बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है कैपल ब्रिक। ये सेंट पीटर चैपल के नाम से रखा गया है। अगर आप लूसन नाम से सर्च करते हैं गूगल इमेज, तो आपको इसकी ही इमेज मिलती है। ये ब्रिज 1365 में बनाया गया था, और जब ये बना था तो ये 270 मीटर लंबा था, जो अब थोड़ा डेवलपमेंट के चक्कर में 204 मीटर ही रह गया है। जब भी आप लूसन सिटी घूमते हैं या कहीं भी लूसन सिटी घूमने जाते हैं, तो या तो आते वक्त या तो जाते वक्त आपको ये ब्रिज का नज़ारा मिलते ही रहता है। ये खासियत है ब्रिज की। यहाँ पर एक जलती हुई सिगरेट की वजह से 1933 में आग लग गई थी। तो ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, इसको एक्चुअली रीस्टोर किया है। अगर आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ब्रिज का जो जॉइंट है ऊपर, तो ये ट्रायंगल में पहले पेंटिंग हुआ करती थी। आग से पहले यहाँ पे 158 पेंटिंग होती थी, बाद में 147 पेंटिंग ये ट्रायंगल में लगा के रखे थे। फिर जब आग लगी उसके बाद 47 ही बचा पाए, और 30 को ही ये लोग रिस्टोर कर पाए, यानी 158 पेंटिंग में से खाली 30 ही बच पाई। ये चैपल ब्रिज उस समय पुराने टाउन को नए टाउन से जोड़ता था, क्योंकि दूसरे टाउन में जाने के लिए ये ब्रिज के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं था। आज तो ये ब्रिज आप देख रहे हो नया वाला, लेकिन उस समय कुछ नहीं था। तो अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर चल कर ब्रिज को महसूस कर सकते हो। जितने भी ट्रैवल एजेंसीज हैं वो ये ब्रिज का टूर ज़रूर कराते हैं। आपने भी देखा होगा कितने लोग आ रहे हैं, इंडियंस हैं, चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, सारे लोग ये ब्रिज का विज़िट ज़रूर करते हैं। तो आप भी कीजिएगा। ये अटल ब्रिज है, ये ना हिल रहा है, अटल बोले तो बहुत अटल है, पर इससे भी पब्लिक चल रही है ना, वो पूरा बुरी तरह से हिल रहा है, जैसे नाव कैसे हिलती पानी में, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप देख सकते हो डर डर के चल रही है। अब यहाँ से हम निकलेंगे लायन मॉन्यूमेंट के लिए। दादाजी चलते चलते थक गई हैं, अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप है लायन मोमेंटम। क्या हो रहा दादाजी, कोई बात, थोड़ा और बर्दाश्त कर लीजिए, बस पहुँचने वाले, नहीं देखने मिलेगा, चलो नसीब अच्छा है। हुआ है ना ये
ये जो है ये जो स्विस के जो सोल्जर थे उन लोग की जब उन लोग ने जब फ्रांस के जो राजा थे उनके ऊपर जब लड़ाई यानी उनके ऊपर जब आक्रमण हुआ था तो सारे सोल्जरों ने अपनी जान दी थी उसी का स्मारक बनाया हुआ है। जो शेर दिख रहा है पीछे और उसके पीठ में जो छुरी घुपी हुई है वो मरता हुआ शेर दिखाया गया है। तो जितने भी सोल्जर थे उनकी श्रद्धांजलि के लिए ये बनाया गया था। वो यहाँ पे लायन मोमेंटम है और यहीं पे वो बाथरूम भी है वहाँ सामने बाथरूम है और यहीं पे इसके पीछे ये म्यूज़ियम है। थोड़ा सा चल के आओगे तो म्यूज़ियम मिलेगा आपको यहाँ पे ऐसे। हाँ ये म्यूज़ियम लायन मोन्यूमेंट के एकदम बगल में है तो अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ पर ज़रूर जाइए क्योंकि ये स्विस पास के साथ फ्री है। क्या बोला? अभी मुझे होटल में जाने का है। अभी एक चर्च देख लेते हैं चलते। नहीं नहीं कुछ नहीं। मतलब आप हार मान रही हो? हार गए। ठीक है। खाना नहीं खाना है? खाना है तो खाएंगे तुम तो चलो। फिर वापस कौन आने वाले इधर खाने के? फिर खा लो फिर चलो। मुझे लगा वो लोग खड़े हुए थे। तो दिखाओ ना सामने। चलो 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 जी चलो नाना जी चलो। वहाँ से फिर हमने ली बस हमारे एयरबीएनबी रूम जाने के लिए। हमने गूगल पे सर्च किया तो वहाँ पे नज़दीक में ही हमको एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला डोसा हाउस। डोसा हाउस में मैंने ऑर्डर दिया मसाला डोसा और एक वेज थाली जिसका टोटल जो बिल था वो था 38 फ्रैंक और हम लोगों ने पूरी थाली साफ कर दी। खाना अच्छा भी था और बहुत ही टेस्टी था तो इस दो रीज़न थे जिसकी वजह से हमने पूरी थाली साफ कर दी। इसी के साथ ही हमारा जो दिन था वो ख़त्म हुआ तो पूरा दिन घूमने के बाद जो हमारा डे का एक्सपेंस था वो था 20,900 जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें आपका खर्चा आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये हमारा खर्चा है। वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है और कुछ बिहाइंड द सीन भी होते हैं उसमें से कुछ क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अरे ये सब मतलब तो ऐसा भी होता है आपके साथ लेकिन कोई नहीं। कल हम लोग जाएंगे माउंट टिटलिस और माउंट टिटलिस के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि हमने कैसे कहाँ से ली ट्रेन कैसे हमने बस लिया कितना टिकट का चार्ज है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।